बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर अनदर लेक्चर, लेक्चर 4 ऑन डायबिटीज़ मेलाइटस। एंड वी वर डिस्कसिंग डिफरेंट ड्रग्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। नाउ द नेक्स्ट एजेंट इज डोपामीन एगोनिस्ट एंड द एजेंट इज ब्रोमोक्रिप्टिन। इंडिकेशन क्या है? इट इज़ ऑल्सो एडजंक्टिव थेरेपी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? Used with caution in person with cardiovascular disease, for example myocardial infarction and arrhythmia, dementia, psychosis and peptic ulcer disease। क्योंकि जो डोपामिन जो है वो कार्डियोवेस्कुलर जो है मूवमेंट को यानी उसकी कॉन्ट्रेक्टाइलिटी को बढ़ाता है, तो मायोकार्डियल डिमांड बढ़ेगी, तो इसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट में, कार्डियक एरिथमिया के पेशेंट में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा साइकोसिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज, डिमेंशिया में भी इसके एडवर्स इफेक्ट देखे गए हैं। दैट इज़ वाई दे आर दिस एजेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सच सिचुएशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्लाइकेमिक कंट्रोल इज अननोन। ये कैसे ग्लाइसेमिक कंट्रोल करता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, दैट इज अननोन। हाउएवर इट इज पोस्टुलेटेड दैट ब्रोमोक्रिप्टिन मे अफेक्ट द सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी। सर्केडियन रिदम क्या होता है? मीन्स के वो जो बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जिसमें कि कितने टाइम सोना है, कितने टाइम जागना है, तो वो जो होता है सर्केडियन रिदम कहलाता है, उसको कंट्रोल करता है। विच प्ले ए रोल इन ओबिसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका ताल्लुक ओबिसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है, तो इस तरीके से ये शायद कंट्रोल करता है। एडमिनिस्ट्रेशन इन डोजेज टेबल 46.3 पर हम 6.3 पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम पेशेंट एजुकेशन एंड कंसर्न यानी पेशेंट काउंसलिंग पैरामीटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। डोपामीन मे कॉज डिजीनेस एंड फटीग एंड यूज कॉशन व्हेन परफॉर्मिंग टास्क दैट रिक्वायर मेंटल अलर्टनेस। लाइक फॉर एग्जांपल ड्राइविंग कर रहे हैं, मशीन पे काम कर रहे हैं किसी ऐसी, तो फिर ये देख लें कि ये देने के बाद डिजीनेस और फटीग होता है, तो ऐसे काम से अवॉइड किया जाए, तो ये भी पेशेंट की काउंसलिंग में ज़रूरी है। इसके अलावा इट मे कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट लाइक नॉजिया एंड वोमिटिंग एंड टेक विथ फूड टू लेसन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट। तो अगर इसको फूड के साथ लिया जाए तो ये नॉजिया वोमिटिंग जैसे डिस्कम्फर्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं। इसके अलावा टेक विद इन 2 आवर आफ्टर वॉकिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, टेक 2 आवर आफ्टर वॉकिंग वेकिंग इन द मॉर्निंग, यानी सुबह उठने के 2 घंटे के बाद आप लेंगे। ठीक है, इट इज़ नॉट वॉकिंग, इट इज़ वेकिंग, यानी सुबह उठने के 2 घंटे के आवर, 2 आवर के बाद जो है वो ये डोपामीन ले, ब्रोमोक्रिप्टिन लेनी है। एंड डोज विल बी इंक्रीज वीकली अंटिल द मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज इज अचीव। यहाँ तक के मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज जो है वो जहाँ पर जो है जाके ये सेट हो जाए, उतनी डोज तक जो है वो अपवर्ड टाइट्रेशन कर सकते हैं। अब हम इसकी जो है वो टेबल में इसकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज देख लेते हैं डोपामीन एगोनिस्ट की, जो हम मुसलसल देखते चले आ रहे हैं। अच्छा, डोपामीन एगोनिस्ट दैट इज ब्रोमोक्रिप्टिन 0.8 मिलीग्राम वंस डेली एंड मैक्सिमम डोज इज 4.8 मिलीग्राम पर डे विद मील विद इन 2 आवर ऑफ द वेक ने। ठीक है, सुबह उठने के 2 घंटे तक ले लें। एंड इट इज एडजंक्टिव ट्रीटमेंट ऑनली, यानी अलोन नहीं दिया जा सकता है। एडवर्स इफेक्ट GI डिस्कम्फर्ट्स वो हम देख चुके हैं, नॉजिया वोमिटिंग। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? इन पेशेंट विद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज, साइकोसिस एंड डिमेंशिया, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं डोपामीन एगोनिस्ट के बाद फिर जो अवेलेबल ओरल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स के, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं। मेटफॉर्मिन ग्लैबुराइड प्रिपरेशन अवेलेबल है कि यानी जिसमें सल्फोनाइल यूरिया और बाइजोनाइड, मेटफॉर्मिन ग्लाइपिजाइड है, मेटफॉर्मिन रोजीग्लाइटाजोन है अंडर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मेडिकेशन प्रोग्राम, मेटफॉर्मिन पायोग्लाइटाजोन है, मेटफॉर्मिन रिपाग्लेनाइड है, मेटफॉर्मिन सेक्सेग्लेप्टिन है, मेटफॉर्मिन सीटाग्लेप्टिन है, रोजीग्लाइटाजोन ग्लिम्पिराइड है एंड प्लायोग्लाइटाजोन ग्लिम्पिराइड कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है ओरल प्रिपरेशन के तौर पर, जो कि यानी अगर पेशेंट इन दोनों ड्रग पर है तो बजाय ये कि वो 2 अलग टैबलेट ले, एक ही टैबलेट ले ले जिसमें ये दोनों इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, तो ये कन्वीनियंस के लिए मौजूद है। नाउ द नेक्स्ट एजेंट इज इन क्रिएटिन माइमेटिक और GLP-1 एगोनिस्ट। और इसमें एजेंट्स हैं हमारे पास 2 एजेंट्स, एक्जिनिटाइड एंड लीराग्लूटाइड। They are indication for the management of type 2 diabetes mellitus. क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है इनकी?
इंडिविजुअल विथ सीवियर जी आई मोटिलिटी लाइक गैस्ट्रोपैरेसिस, यानी जी आई मोटिलिटी जिनकी कम हो, गैस्ट्रोपैरेसिस हो, तो जिसकी वजह से फिर जो है वो इन ड्रग को नहीं दिया जाता, यानी इसको जो है वो नहीं दिया जाएगा। इनक्रिएटेड माइमेटिक यानी एक्जेनेटाइड और लीराग्लूटाइड जो है वो नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा पेनक्रीटाइटस और हिस्ट्री ऑफ पेनक्रीटाइटस, ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन में शामिल है। सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट और हेपेटिक इम्पेयरमेंट, ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन में शामिल है। इसके अलावा लीराग्लूटाइड इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इंडिविजुअल विथ ए हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है, यानी जो मेड्यूलरी थायराइड रीजन है उसमें कार्सिनोमा की जिसमें हिस्ट्री हो, एंड इंडिविजुअल विद ए मल्टीपल एंडोक्राइन न्योप्लाजम सिंड्रोम टाइप 2, ठीक है, एंडोक्राइन न्योप्लाजम सिंड्रोम टाइप 2 हो, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड की जो है वो न्योप्लाजम की सिंड्रोम हो, इट इसमें भी अवॉइड किया जाए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इट मे बी यूज इन इंडिविजुअल विद अदर थायराइड डिसऑर्डर, यानी अदर देन मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा के अलावा यूज़ किया जा सकता है, इंक्लूडिंग हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाँ, जो जनरली हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस हैं उनमें इसको यूज किया जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्या करेगा, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाएगा। दे इंक्रीजेज द ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट, इंक्रीज बीटा सेल ग्रोथ इन द पेनक्रियाज ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बने, एंड रेप्लिकेशन एंड स्लो द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एंड इन्हेंस द सेटाइट, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को कम करेगा, इन्हेंस सेटाइटी यानी फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी ऐसा लगेगा कम खाने पर भी पेट फुल हो गया, यानी जो है वो एक्सेसिव बिंज ईटिंग नहीं होगी उससे। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोसेज टेबल 46.3, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम पेशेंट एजुकेशन और अदर कंसर्न पैरामीटर देख लेते हैं। एक्सिडिटाइट शुड बी एडमिनिस्टर विद इन 60 मिनट्स ऑफ मील ट्वाइस डेली, यानी खाने के 60 मिनट्स के अंदर ले रहे हैं और ट्वाइस डेली डोजेज है। लीराग्लूटाइड मे बी डोज इंडिपेंडेंट मील्स, डोज इंडिपेंडेंट ऑफ मील्स वंस डेली, यानी इसका डोज जो मील से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी वक्त दिन में ली जा सकती है, जबकि एक्सिडिटाइड जो है वो लेनी है 60 मिनट्स ऑफ मील, खाने के 60 मिनट के अंदर अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन साइट, क्योंकि इंजेक्टेबल है ये, तो ये अपर आर्म थाई और एब्डोमिन, ठीक है। नोजिया एंड वोमिटिंग में अकर विथ इनिशिएशन ऑफ डोज चेंजेस, बट इज टिपिकली ट्रांजिएंट, यानी टेम्प्रेरी होगा नोजिया एंड वोमिटिंग। वेट लॉस इज सस्टेंड इफेक्ट अनरिलेटेड टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट, यानी मुसलसल वेट लॉस इससे बहरहाल होता है। रिपोर्ट अनयूजुअल लंप और स्वेलिंग ऑफ द नेक, अगर नेक में लंप या स्वेलिंग हो तो उसको फौरन अपने फिजिशियन को रिपोर्ट करें, या फिर डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग हो तो उसको भी रिपोर्ट करें। अनयूजुअल हॉसनेस ऑफ साउंड हो, यानी आवाज़ भारी होने लगे विद द यूज़ ऑफ लीराग्लूटाइड, तो इसको फौरन आप रिपोर्ट करें। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन इन डोजेज के लिए हम टेबल 46.3 पर दोबारा जाते हैं और देखते हैं टेबल 46.3 हमें क्या बता रहा है GLP-1 एगोनिस्ट, यानी ये इनक्रिएटिन माइमेटिक्स के तौर के बारे में। एक्सिनिटाइड 5 माइक्रोग्राम BID विद इन 60 मिनट्स ऑफ मील, 10 माइक्रोग्राम BID, ठीक है, ये मैक्सिमम डोज है। लीराग्लूटाइड की डोज 0.6 मिलीग्राम वंस डेली रिगार्डलेस ऑफ मील, मैक्सिमम डोज इज 1.8 मिलीग्राम पर डे। अवेलेबल इन पेन डिवाइसेस फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन फॉर्म में दी जाएगी। एडवर्स इफेक्ट्स वही डोज रिलेटेड नोजिया एंड वोमिटिंग एंड मे बी डिक्रीज विद कंटिन्यूस यूज, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं वहाँ पे। वेट लॉस अनरिलेटेड टू GI सिम्टम्स पॉसिबली कॉज पेनक्रियाटाइटस, इंजेक्शन साइट रिएक्शन इज पॉसिबल। कॉन्ट्राइंडिकेशन लीराग्लूटाइड की क्या है, इन पर्सन विद ए हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेड्यूलरी थायराइड कैंसर, इन पर्सन विद मेड्यूलरी एंडोक्राइन न्यूप्लाजम सिंड्रोम टाइप 2, एंड बोथ लीराग्लूटाइड एंड एक्सिडिटाइड आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पर्सन विद ए पेनक्रियाटाइटस और हिस्ट्री ऑफ पेनक्रियाटाइटस और टाइप 1 डायबिटीज एंड गैस्ट्रोपैरेसिस, इसमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा स्लो टाइट्रेशन ऑफ डोजेस विल मिनिमाइज द GI इफेक्ट्स। लीराग्लूटाइड डोज 0.6 मिलीग्राम शुड बी यूज फॉर 1 वीक प्रायर टू इंक्रीजिंग टू 1.2 मिलीग्राम पर डे,
तो ये इसका डोजिंग प्रोटोकॉल है लीराग्लूटाइड का। एक्जिनेटाइड 5 माइक्रोग्राम बीआईडी शुड बी यूज फॉर 30 डेज प्रायर टू इंक्रीजिंग टू 10 माइक्रोग्राम बीआईडी, यानी शुरू में 30 डेज तक 5 माइक्रोग्राम बीआईडी चलाना होगा। एंड टारगेट द पोस्टपेरेंटियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसको जो है वो पोस्टपेरेंटियल ब्लड ग्लूकोज लेवल से टारगेट किया जाएगा। तो ये जो था वो इंक्रीटिन माइमेटिक्स यानी एक्जिनेटाइड और लीराग्लूटाइड के हवाले से। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज एमाइलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, द नेम ऑफ द ड्रग इज प्रेमलिनिटाइड, ठीक है, प्रेमलिनिटाइड। ये क्या करेगी, इंडिकेशन इनहेंस पोस्टपेरेंडियल कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज इन पेशेंट्स विद Type 1 diabetes mellitus एंड Type 2 diabetes mellitus, यानी दोनों टाइप की डायबिटीज मेलाइटस में इसकी इंडिकेशन है। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, यूज शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स विद गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिसऑर्डर सच एज गैस्ट्रोपैरेसिस, जिसमें गैस्ट्रोपैरेसिस हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कैसे करेगी, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो डाउन करेगी, डिक्रीज पोस्टपेरेंडियल ग्लूकागॉन सिक्रीशन एंड सप्रेस द एपिटाइट। तो इस तरीके से इसलिए जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है, यानी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो करेगी ताकि एकदम ग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया ना हो, ग्लूकागॉन को सप्रेस्ड करेगी ताकि हाइपरग्लाइसीमिया ना क्रॉस करें, और एपिटाइट को कम करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन डोजेज के लिए अगेन टेबल 46.3, बट बिफोर गोइंग टू टेबल 46.3 वी विल सी द पेशेंट एजुकेशन पॉइंट्स, जो आपको एज ए फार्मासिस्ट आपके लिए बेनते हैं इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ ए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट टू एजुकेट द पेशेंट वाइल डिस्पेंसिंग द मेडिकेशन। तो प्रेमलिनिटाइड की अगर हम बात करें, यानी एमाइलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट की, व्हेन कंकमिटेंटली गिवन विद इंसुलिन, जब इंसुलिन के साथ दी जा रही है, मे प्रोड्यूस सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया विद इन 3 आवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होना चाहिए। इसकी एजुकेशन पेशेंट को करें कि फिर इंसुलिन की डोज कम करनी पड़ेगी। प्री एंड पोस्ट ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग शुड बी यूज टू डिटरमिन द एफिकेसी ऑफ एजेंट, यानी देने से पहले और देने के बाद ग्लूकोज मॉनिटरिंग करें ताकि पता चले कि इसकी एफिकेसी किस हद तक आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन इन टू एबडोमिन और थाई, इंजेक्शन इन टू अपर आर्म शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू वेरिएबिलिटी इन एब्जॉर्प्शन। तो बेस्ट साइट है एडमिनिस्ट्रेशन की एबडोमिन और थाई है, अपर आर्म में अवॉइड करें क्योंकि इंजेक्ट जो एब्जॉर्प्शन की जो वो है कॉन्टेंट एब्जॉर्प्शन जो है उसकी वेरिएबिलिटी अपर आर्म में बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको अवॉइड किया जाए। इसके अलावा ओरल मेडिकेशन नीडिंग रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ओरल मेडिकेशन नीडिंग रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड 1 आवर बिफोर और 2 आवर आफ्टर प्रेगनेंटाइड। तो अगर ओरल मेडिकेशन है खासतौर से एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स, तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो 1 आवर बिफोर प्रेगनेंटाइड हो या 2 आवर आफ्टर प्रेगनेंटाइड एडमिनिस्ट्रेशन हो। इसके अलावा डू नॉट मिक्स इन सेम सिरिंज एज इंसुलिन, इंसुलिन के साथ मिक्स ना करें, एंड इंजेक्ट एट लीस्ट 2 इंचज अवे फ्रॉम द इंसुलिन इंजेक्शन साइड, जहाँ से इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे हैं सबक्यूटेनियसली उससे कम से कम 2 इंच का फासला होना चाहिए प्रेमलिनिटाइड के इंजेक्शन का। इसकी डोजेज पर अगर हम बात करें तो अगेन वी विल गो टू टेबल 46.3, तो हम टेबल 46.3 पर जाते हैं और देखते हैं प्रेमलिनिटाइड के हवाले से क्या रिकमेंडेशन मौजूद है। प्रेमलिनिटाइड Type 1 DM में डोजेज क्या है, 15 माइक्रोग्राम इमीजिएटली प्रायर टू मील एंड मैक्सिमम डोज इज 60 माइक्रोग्राम TID। Type 2 में 60 माइक्रोग्राम इमीजिएटली प्रायर टू मील एंड मैक्सिमम डोज तक आप जा सकते हैं 120 माइक्रोग्राम TID। एडवर्स इफेक्ट्स नोजिया वोमिटिंग एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया इन पर्सन विद Type 1 DM विद इन 3 आवर ऑफ डोजिंग। इसी वजह से क्योंकि Type 1 में हाई सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया का ज़्यादा रिस्क है, तो इस वजह से डोज जो है वो Type 1 में कम है कम्पेयर टू Type 2। इसके अलावा इंडिकेटेड फॉर एडजंक्टिव थेरेपी टू बेसिल एंड बोलस इंसुलिन, इंसुलिन जो बेसिल और बोलस दी जा रही है उसके साथ एडजंक्टिव थेरेपी के तौर पर दी जाती है, पर्टिकुलरली इन Type 1 diabetes mellitus। रिड्यूस बोलस इंसुलिन वैन 50% इनिशिएटिंग प्रेमलिनिटाइड टू अवॉइड
हाइपोग्लाइसीमिया, यानी बोलस इंसुलिन की 50% क्वांटिटी आप कम कर दें, यानी रैपिड एक्टिंग की या शॉर्ट एक्टिंग की, ताकि जो है वो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट ना जाए। इसके अलावा डू नॉट मिक्स टुगेदर विद इंसुलिन एंड पिरिमिनिटाइड इन द सेम इंजेक्शन। इसके अलावा ड्रग ड्रग इंटरेक्शन विद ओरल मेडिकेशंस स्पेशली एनल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स, तो उस वजह से 2 आवर बिफोर या 2 आवर आफ्टर द पिरिमिनिटाइड देना चाहिए। टारगेट करेंगे जब हम पिरिमिनिटाइड देंगे तो मेनली वी आर टारगेटिंग द पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल। पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल का मतलब है जस्ट आफ्टर द मील। तो ये हमने पिरिमिनिटाइड को भी देख लिया कि ये किस तरीके से रिस्पॉन्स देगी और क्या रिस्पॉन्स आएगा। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट एजेंट विच इज इमर्जिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस, दैट इज वंस वीकली एक्सिनिटाइड। अच्छा, वंस वीकली एक्सिनिटाइड डेफिनेटली वेरी अपीलिंग के बस हफ्ते में एक ही दफ़ा देना है। डोज्ड वंस वीकली एज 2 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एंड दिस एजेंट टारगेट्स ओवरऑल ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल रादर देन पोस्ट पेरेंडियल एज सीन विद अदर GLP-1 एगोनिस्ट। ठीक है, तो पोस्ट पेरेंडियल नहीं बल्कि ओवरऑल ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी पूरे हफ्ते के ब्लड ग्लूकोज लेवल को टारगेट किया जाएगा कि जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रेंज में रहे। बिकॉज इट टेक्स 6 वीक्स फॉर दिस एजेंट टू हिट द स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन, यानी अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो इसकी स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होने में 6 हफ्ते लग सकते हैं, लिहाजा शुरू में आप कोई रैपिड एक्टिंग एजेंट साथ में दें। सो देयर इज़ नो डोज टाइट्रेशन नेसेसरी एंड लेस प्रोनाउंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स। तो शुरू में अगर आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना हो तो आप अदर ओरल एजेंट दे सकते हैं, लेकिन फिर बाद में उसको बंद कर दें क्योंकि एक्सिनिटाइड फिर कंट्रोल में रखेगी। इसके अलावा कुछ नए एजेंट हैं जो अब मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट टू इनहिबिटर्स। ये क्या है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट टू इनहिबिटर्स? इज ए ट्रांसपोर्टर इन द किडनीज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ रीनल ग्लूकोज रीअब्सॉर्प्शन, यानी किडनी में से जो फिल्टर हो जाती है ग्लूकोज 90% रीअब्सॉर्ब हो जाती है ब्लड में बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म। तो अगर आप इस ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म को इनहिबिट कर देंगे तो मैक्सिमम ग्लूकोज यूरिन के साथ पास आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो उसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर हैं, ये ड्रग्स हैं जो कि अब मार्केट में अवेलेबल भी हैं ग्लिफ्लोक्सिन के फैमिली नेम के साथ। तो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टू इनहिबिटर्स आर परपोज टू इनहिबिट द ट्रांसपोर्टर दस इंक्रीजिंग द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज, लिहाजा ये यूरिन में ग्लूकोज की एक्सक्रीशन को बढ़ाएंगे एंड इससे क्या होगा लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। दीज एजेंट्स आर यूनिक एंड इन दैट दे प्रोवाइड इंसुलिन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विद नियर एब्सेंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, यानी इसका इंसुलिन रिलेटेड कोई इफेक्ट नहीं है, हाँ हाइपोग्लाइसीमिया ये कॉज कर सकते हैं। एजेंट्स करंटली इन क्लिनिकल ट्रायल इंक्लूड डापाग्लिफ्लोजिन सरग्लिफ्लोजिन एंड रेमोग्लिफ्लोजिन। ये जब ये बुक पब्लिश होने को जा रही थी उस वक्त ये ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल में थी, नाउ दीज ड्रग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, दे आर ऑलरेडी FDA अप्रूव्ड एंड दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन पाकिस्तान ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय DRAP मीन्स ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ये ड्रग्स जो है वो अब ऑलरेडी मौजूद हैं, लिहाजा अब ये भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन के तौर पर हमारे पास अवेलेबल है। नाउ ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। एज फार एज कंसर्न विद द ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 2 DM, नाउ इनिशिएशन ऑफ थेरेपी, अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेशन एग्जिस्ट मेटफॉर्मिन इज प्रेफर्ड इनिशियल एजेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। जैसा कि हम पहले भी इस बात का तस्करा कर चुके हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है एज पर क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन वो है मेटफॉर्मिन। सिर्फ उस सूरत में मेटफॉर्मिन को हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर नहीं देंगे पेशेंट को जब उसकी कोई क्लियर कॉन्ट्राइंडिकेशन उस पेशेंट में मौजूद है, लाइक वही जो हमने बात की थी कि हेपेटिक एंड रीनल इम्पेयरमेंट। हाउएवर थेरेपी शुड बी इंडिविजुअलाइज टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एंड द डिजायर्ड टारगेट ऑफ थेरेपी।
उसके अलावा हम इंडिविजुअल पेशेंट को भी देखेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया भी देखेंगे कि कितना ज़्यादा है, और उस हिसाब से इसकी डोज और थेरेपी को देखेंगे कि हमने क्या ट्रीटमेंट देना है, कितना देना है और किस तरीके से देना है। अच्छा, हमारे ट्रीटमेंट बेस ऑन करंट A1C लेवल क्या गोल्स होने चाहिए। नाउ ट्रीटमेंट बेस ऑन करंट A1C लेवल, हमने ये देखा है कि जब भी पेशेंट डायग्नोस होता है डायबिटीज़ मेलाइटस से, तो हम या फिजिशियन फौरन उसके HbA1c लेवल कराते हैं और देखते हैं कि उसका HbA1c लेवल क्या आ रहा है। उसकी बेस पर बेसिकली एक्चुअली हम ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन क्या कहती है कि अगर इनिशिएशन ऑफ थेरेपी करने जा रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की, और पेशेंट का जब आपने HbA1c कराया तो वो आया 6.5% से लेके 7.5% के दरमियान में, तो आपने क्या ट्रीटमेंट करना है। मेटफॉर्मिन इज़ द प्रेफर्ड इनिशियल एजेंट, ठीक है, तो मेटफॉर्मिन जो है उसमें प्रेफर्ड इनिशियल एजेंट है, बट DPP-4 इनहिबिटर लाइक वही सीटाग्लिप्टिन, GLP-1 एगोनिस्ट, ठीक है, वो भी दे सकते हैं, वही एक्जेनिटाइड एंड अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स मे बी कंसिडर्ड व्हेन द पोस्टपेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज इज ऑफ द मोस्ट कंसर्न, यानी खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत बड़ा इशू हो तो फिर मेटफॉर्मिन के अलावा इन ड्रग्स को भी DPP-4 इनहिबिटर्स, GLP-1 एगोनिस्ट एंड अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर को भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन ये कहती है कि मेटफॉर्मिन इज द प्रेफर्ड इनिशियल एजेंट। इसके अलावा इथाइजोलिडीन डायोन्स TZDs मे ऑल्सो बी द इनिशियल थेरेपी फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इज प्रेजेंट, यानी क्योंकि फैटी लिवर डिजीज में आप फिर ये नहीं दे सकते मेटफॉर्मिन में, तो फिर आपके पास इट इज़ ए गुड ऑल्टरनेट ऑप्शन। मोनोथेरेपी शुड बी ट्राइड फॉर 2 to 3 months विद इन द इनिशिएटिंग एजेंट प्रायर टू एडिंग द अदर एजेंट इन द रेजिमेन, ठीक है, तो मोनोथेरेपी आप 2 to 3 months इनमें से जो भी एजेंट आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर 6.5% से 7.5% HbA1c है, 2 to 3 months तक आप मोनोथेरेपी चलाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा HbA1c चेक करेंगे, फास्टिंग और रैंडम का प्रोफाइल चेक करेंगे, और फिर ये डिसाइड करेंगे कि हमें कोई दूसरा एजेंट, दूसरा एंटी डायबिटिक एजेंट थेरेप्यूटिक रेजिमेन में ऐड करना है या ये एक ही ड्रग काफ़ी है। अगर इनिशियली जो HbA1c की लेवल आई 7.6% से लेके 9% के दरमियान, तो फिर जो इनिशिएट करना है हमें थेरेपी, वो ड्यूअल थेरेपी शुड बी इनिशिएटेड, यानी दो ड्रग आपने स्टार्ट करानी है विद मेटफॉर्मिन प्रोवाइडिंग द बैकबोन ऑफ थेरेपी, यानी मेटफॉर्मिन तो फिर आपने इस पेशेंट को देनी है अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यानी माँ सिवाय इसके कि मेटफॉर्मिन की कोई ऐसी क्लियर इंडिकेशन हो कि या कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जिसकी वजह से आप मेटफॉर्मिन नहीं दे सकते। अच्छा, सेकेंड एजेंट आप जो देंगे मेटफॉर्मिन के साथ क्या क्या दे सकते हैं, GLP-1, DPP-4 इनहिबिटर, TZDs यानी थायजोलिडीन डायोन्स, सल्फोनाइल यूरियाज, मैग्लिटिनाइड्स यूज इन कॉम्बिनेशन विद मेटफॉर्मिन, ठीक है, इनमें से कोई एजेंट मेटफॉर्मिन के साथ कंबाइन करके दिया जा सकता है। द चूजिंग थेरेपी शुड बी कंटिन्यूड फॉर अगेन 2 to 3 months बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एन एडिशनल एजेंट फॉर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, वो ये कि डुअल ड्रग थेरेपी आपने की, दो ड्रग चलाई 3 महीने तक, 3 महीने तक आपने इसको पेशेंट को ऑब्जर्व किया, 3 महीने के बाद दोबारा आपने HbA1c का लेवल देखा, HbA1c लेवल के अलावा आपने प्रोफाइल देखा कि क्या प्रोफाइल है फास्टिंग ब्लड शुगर का, रैंडम ब्लड शुगर का कैसा आ रहा है, अगर वो कंट्रोल में है तो यही दो ड्रग चलने देंगे, और अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो फिर आपको थर्ड एजेंट भी, एडिशनल एजेंट भी ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए ऐड करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, इसके बाद आइए कि अगर इनिशियली HbA1c 9% से ज़्यादा आ गया तो क्या करना है, सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो फिर इंसुलिन विद और विदाउट एडिशनल ओरल एजेंट, इंसुलिन तो देना ही देना है इस पेशेंट, ठीक है, इंसुलिन के साथ ओरल एजेंट देना है या नहीं देना है ये हम देखेंगे पेशेंट की कंडीशन पर बेस करेगा। आम तौर पे इंसुलिन के साथ हम अगर ज़रूरत हो तो मेटफॉर्मिन को ऐड करते हैं। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में अगर सिम्टम्स नहीं है, ड्यूअल और ट्रिपल ओरल थेरेपी विद मेटफॉर्मिन एज द बैकबोन, यानी कोई सिम्टम नहीं है, HbA1c इज़ ग्रेटर देन 9%, कोई सिम्टम नहीं है पेशेंट में, फिर ड्यूअल और ट्रिपल ओरल थेरेपी, ठीक है,
दो ड्रग देंगे या तीन ड्रग देंगे, एक तो मेटफॉर्मिन देंगे और इसके साथ वही मेटफॉर्मिन सिर्फ उस सूरत में देंगे नहीं देंगे जब उसकी कोई क्लियर कॉन्ट्राइंडिकेशन होगी। मेटफॉर्मिन के अलावा हम कोई एक या दो ड्रग और ऐड कर सकते हैं किस पेशेंट में, कि एच बी ए वन सी इज़ ग्रेटर दैन 9% एंड पेशेंट इज ए सिम्टोमेटिक, कोई भी डायबिटीज़ की सिम्टम्स मौजूद नहीं है। नाउ ये तो था प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन करंट ए वन सी लेवल, और ये हमें कौन प्रोटोकॉल बता रहा है, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन बता रही है। नाउ टारगेटेड ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, टारगेटेड ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, पोस्ट पेरेंडियल आमतौर पर हम उसको रैंडम ब्लड शुगर लेवल भी कहते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर का क्या है, कंसिडर क्या करना है आपने, मेटफॉर्मिन, सल्फोनिलयूरियाज, थाइज़ोलिडिन डायोन्स एंड और लॉन्ग एक्टिंग बेसिल इंसुलिन, यानी अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना है तो ये चॉइस ऑफ ड्रग्स होंगी आपके पास। लेकिन अगर फास्टिंग सही आ रही है पोस्ट पेरेंडियल यानी रैंडम ठीक नहीं आ रही तो कंसिडर करें जी एल पी वन एगोनिस्ट, मैग्लिटिनाइड्स, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एंड अल्फा ग्लूकोज साइनेज इनहिबिटर्स, तो फिर इनको टारगेट करना चाहिए। तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट को लेके चल रहे हैं। नाउ मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट, मेंटेनिंग द ग्लाइसेमिक कंट्रोल शुड ऑल्सो बी इंडिविजुअलाइज, यानी हर पेशेंट पर सेम प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा, हर इंडिविजुअल पेशेंट को मॉनिटर करना ज़रूरी है कि किस ड्रग से वो ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस ड्रग से उसके पेशेंट पे कम एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, इंसुलिन बेहतर है या ओरल एजेंट्स बेहतर हैं, इसलिए इंडिविजुअलाइज पेशेंट को इंडिविजुअली कर देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि किससे ज़्यादा बेहतर कंट्रोल हो रहा है ग्लाइसेमिक कंट्रोल। कंसिडरेशन शुड बी गिवन इनिशिएटिंग इंसुलिन इफ मोर देन 3 ओरल एजेंट्स आर नीडेड टू मेंटेन द ग्लाइसेमिक कंट्रोल, अगर 3 एजेंट या उससे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि आप पेशेंट को इंसुलिन पर ले आए। और इफ़ द ए वन सी रिमेन्स अबव 8.5% विद डोइल ओरल थेरेपी, यानी आपने जब स्टार्ट किया तो उसका जो था A1C लेवल 8.5% से ज़्यादा था, दो ड्रग दे रहे थे और 3 महीने के बाद भी उसका A1C लेवल 8.5% से नीचे नहीं आया, तो बस फिर इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सिचुएशन में हमें इंसुलिन थेरेपी को प्रेफर करना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये हमारे पास प्रोटोकॉल होना चाहिए। नाउ फार्माकोलॉजिक थेरेपी फॉर प्री डायबिटीज़, अब हम बात करते हैं कि वो पेशेंट्स जिनको प्री डायबिटीज़ डायग्नोज होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसकी भी जो है वो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने एक रेंज दी हुई है और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, कि जिसको हम डायबिटीज़ तो नहीं कंसिडर कर सकते लेकिन हम उस पेशेंट को प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी में डाल सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या कंडीशन होंगी, तो उसमें हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, दैट इज़ फार्माकोलॉजिक थेरेपी ऑफ प्री डायबिटीज़, थेरेपी विद द डेटा टू डिले और प्रिवेंट द डिजीज प्रोग्रेशन इंक्लूड मेटफॉर्मिन, पायोग्लाइटाजोन, ऑर्लिस्टेट और अल्फा ग्लूकोज साइनेज इनहिबिटर, दैट इज मेग्लिटॉल और एकरबोज, यानी वो ड्रग, ये ड्रग जो है क्या करेंगी, मेटफॉर्मिन हो गई, पायोग्लाइटाजोन हो गई, ऑर्लिस्टेट हो गई, अल्फा ग्लूकोज साइनेज इनहिबिटर जिसमें आपके पास मेग्लिटॉल हो गई, एकरबोज हो गई, ये ऑर्लिस्टेट क्या है, ये फैट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हो गई, ये एजेंट क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे पेशेंट को फ्रॉम प्री डायबिटीज़ टू डायबिटीज़, यानी इसकी प्रोग्रेशन जो है वो पेशेंट को बचाएंगे कि पेशेंट जो है वो प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ की तरफ, कन्फर्म डायबिटीज़ की तरफ मूव ना करें, तो इस तरह से हम इस पेशेंट को मैनेज कर रहे होंगे। हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि ये प्री डायबिटीज़ हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, कौन से पेशेंट होंगे जिनको हम ये ट्रीटमेंट दे रहे होंगे एज पर क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन रिकमेंडेशन। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था प्री डायबिटीज़ के केसेस और इसकी रेंज। प्री डायबिटीज़ रिलेटिवली हाई रिस्क फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़, जिसमें क्या होगा, हम उसको कैसे डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट इज़ हैविंग प्री डायबिटीज़, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, यानी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल आ रही है उसकी मुसलसल 100 से लेके 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान में, तो उसको हम कहेंगे कि ये प्री डायबिटीज़ है। इसके अलावा ओरल ग्लूकोज टेस्ट रिजल्ट किया तो उसमें जो है उसकी जो ब्लड ग्लूकोज की लेवल की रेंज आ रही है 140 से लेके
199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, तो ये भी प्री डायबिटीज़ का केस है। और अगर हमने उसका HbA1c टेस्ट कराया तो वो जो है हमारे पास आ रहा है 5.7% से लेके 6.4% के दरमियान में। तो ये केसेस होंगे हमारे पास प्री डायबिटीज़ के, और ये केस प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं, लिहाजा अगर हम इसे ट्रीटमेंट देना चाहें तो हम वो जो ड्रग वहाँ पे हमने डिस्कस की है उनमें से वो ड्रग जो है हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ फ्रॉम प्री डायबिटीज़ टू इस्टेब्लिश डायबिटीज़ मेलिटस। अच्छा जनाब, तो ये हमने प्री डायबिटीज़ कम्प्लीट कर लिया। नाउ हाइपरग्लाइसेमिक इमरजेंसीज, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें फॉरेन पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, तो ये दो हमारे पास सिचुएशन है, एक है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस DKA और दूसरी है HHS यानी हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। बट दीज टॉपिक्स एंड द अदर रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। वी आर क्लोजिंग दिस फोर्थ लेक्चर राइट नाउ फ्रॉम हेयर। थैंक यू वेरी मच।